मूवी की शुरुआत होती है। हमें रोज नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। रोज पेशे से फैशन डिजाइनर होती है, पर रोज का अपीयरेंस बहुत ही अगली होता है। मानो उसका चेहरा बहुत खास नहीं होता, पर बहुत ही बदसूरत दिखती है। वर्क प्रोफाइल के हिसाब से रोज बहुत ही टैलेंटेड होती है। अगली दिखने की वजह से रोज का बॉस उस पर ट्रस्ट नहीं करता और उसे कोई भी काम नहीं देता, जिसकी वजह से उसकी इंक्रीमेंट भी नहीं होती है। एक दिन रोज ऑफिस जा रही होती है, तभी उसका स्कूटर कोलाइड हो जाता है और जिसकी वजह से वो ऑफिस लेट पहुंचती है। लेट पहुंचने के कारण रोज का बॉस उस पर चिल्लाने लगता है और वहाँ खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं। रोज का मजाक उड़ाने लगते हैं, पर वहाँ एक लड़की होती है जो रोज के ऊपर हंसती नहीं। उसका नाम चेल्सिया होता है। चेल्सिया पेशे से फैशन मॉडल होती है। चेल्सिया रोज को बेस्ट फ्रेंड मानती है। दोनों की बॉन्डिंग भी काफी अच्छी होती है। रोज अपने ऑफिस में लंच कर रही होती है, तभी ब्रैड नाम का एक फोटोग्राफर आता है जो उसी के ऑफिस में काम करता है। ब्रैड रोज को अपने साथ डेट के लिए पूछता है। रोज ब्रैड को हाँ कर देती है। चेल्सिया रोज और ब्रैड की ये बात सुन लेती है। फिर चेल्सिया रोज को अच्छे कपड़े पहनकर जाने की सलाह देती है ताकि रोज थोड़ी ग्लैमरस लगे। फिर रोज ब्रैड के साथ क्लब में जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अचानक से ब्रैड रोज को किस कर लेता है, जिसकी वजह से रोज अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। और उसके बाद में बाथरूम में जाती है तो देखती है कि दो लड़कियां रोज के बारे में बात कर रही होती हैं और उनकी बातें सुनकर रोज को यह पता चलता है कि चेल्सिया ने ही ब्रैड को उसके साथ डेट पर जाने के लिए कहा था। रोज मायूस हो जाती है। फिर रोज गुस्से में चेल्सिया के पास जाती है और पूछती है, क्या ये बात सच है? चेल्सिया कहती है, हाँ ये बात सच है। उसने ही ब्रैड से ऐसा करने को कहा। ये सुनकर रोज को और गुस्सा आ जाता है और वो क्लब से चली जाती है और रोज का एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ दिन के बाद रोज को होश आता है और वो देखती है कि वो हॉस्पिटल में है। एक्सीडेंट होने की वजह से उसके मुंह पर चोट लग जाती है और डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। चेल्सिया रोज को दिलासा देती है और डॉक्टर रोज को आराम करने को कहता है। रोज अपना चेहरा देखना चाहती है तो डॉक्टर उसकी पट्टियां खोल देता है। रोज अपने चेहरे पर लगे भयानक घाव को देखकर रोने लग जाती है तो चेल्सिया वहां आती है और उसे दिलासा देती है। चेल्सिया रोज को संभालती है। उसके बाद फिर चेल्सिया उसको अपने घर लेकर जाती है और उसे बताती है कि बॉस ने उसे जॉब से निकाल दिया है, तो वो चाहे तो चेल्सिया के साथ उसके घर पर रह सकती है। रोज फिर अपने कमरे में अकेली होती है और चेहरे को आईने में देखने के बाद रोज डर जाती है और रोने लग जाती है। फिर वो इंटरनेट पर चेहरे पे लगे घाव को ठीक करने का तरीका ढूंढने लग जाती है और उसे एक क्लिनिक का पता चलता है। यह क्लिनिक एडवर्टाइजमेंट में दावा करता है कि वह अपनी ट्रीटमेंट से कितना भी गहरा घाव हो वो भर देगा। पोस्ट को देखने के बाद दूसरे दिन चेल्सिया फिर उसके साथ उसके क्लिनिक पर जाती है, जहां डॉक्टर उसको देखने के बाद कहता है वो उसको बहुत ही आसानी से ठीक कर सकता है। रोज ट्रीटमेंट करवाने से डरने लगती है। तभी चेल्सिया उसे कहती है कि डरो मत, ट्रीटमेंट करवाने से सब ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन डॉक्टर रोज का ट्रीटमेंट करता है। जब वो लोग रोज का ऑपरेशन करने आते हैं तो सभी लोगों ने लाल कपड़े पहने होते हैं। ऐसा लगता है कि वहां कोई रिचुअल हो रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर एक जेली जैसी चीज उठाता है और रोज के चेहरे पर रख देता है, जहां उसको घाव लगा होता है। फिर हमें यह दिखाया जाता है कि दूसरे दिन रोज से मिलने ब्रैड आता है और डॉक्टर ब्रैड को वहीं बाहर रोक देता है और ब्रैड को एक टास्क देता है। कुछ दिन बाद जब रोज की आंखें खुलती है तो वह अपनी पट्टियां खोलने लग जाती है। फिर आईने में जाकर अपना चेहरा देखती है जो कि एकदम नॉर्मल और बहुत ही खूबसूरत हो गया होता है। फिर रोज को भूख लगती है तो वो नीचे जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है। वो स्विमिंग कर रहा होता है और रोज उसके पास जाती है, किस करना स्टार्ट कर देती है और किस करते करते उस आदमी के मुंह से खून निकलने लगता है। खून देखकर रोज घबरा जाती है और वहां से चली जाती है। दूसरे दिन रोज डॉक्टर को बताती है। डॉक्टर उसकी बात सुनकर कहता है कि नहीं, वो नॉर्मल है, ये बस उसका हेलुसिनेशन था। रोज को ये बात बेहद अजीब लगती है क्योंकि कल रात उसने जो फेस किया वो उसे एकदम ही असली लग रहा था। डॉक्टर उसको सलाह देता है कि वो दवाइयां टाइम से खाए और जब भी उसे भूख लगे वो लाल बोतल में पड़ी दवाई पी लिया करे। फिर रोज को डिस्चार्ज कर देते हैं और रोज चेल्सिया के घर जाती है। तभी ब्रैड रोज से मिलने चेल्सिया के घर आता है और उसकी खूबसूरती देखकर उस पर फिसल जाता है। रोज ब्रैड से काफी नाराज होती है और ब्रैड से बहस करके उसे वहां से भगा देती है। फिर रात को रोज और चेल्सिया सेलिब्रेट करने के लिए क्लब में जाते हैं, जहां उसे उसका बॉस देख लेता है और उसके नए लुक को देखकर उसे काफी इम्प्रेस हो जाता है। उसके अट्रैक्टिव लुक की वजह से उसे जॉब ऑफर करता है। और दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि क्लब में रोज बहुत ज्यादा एंजॉय करती है और एक लड़के के साथ उसका मेकआउट हो जाता है और फिर उसके साथ मेकआउट करते करते वो लड़के को मार देती है। और अचानक रोज की आंखें खुलती है और वो खुद को अपने बेड पे पाती है और उसे लगता है कि वो फिर से हेलुसिनेट कर रही है। तभी वो दवाई पी लेती है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का जिसे रोज ने काट लिया होता है वो अपने काम पर अग्रेसिव हो जाता है और सामने वाले लड़के को काट लेता है और उसका मुंह बुरी तरह से जख्मी कर देता है, मानो कि उस आदमी के अंदर एक ज़ॉम्बी आ गया है।
इधर रोज अपना काम कर रही होती है, तभी उसको बहुत जोर से भूख लगने लगती है, तो वो रेड बॉटल में पड़ी दवाई पी लेती है, उससे कोई असर नहीं होती। फिर फ्रिज में पड़ा लाल मांस खा लेती है, फिर भी उसकी भूख नहीं मरती और वो अपना होश खो बैठती है और बाहर जाती है। फिर वो एक आदमी को देखती है और उसका पीछा करती है। वो कोई और नहीं बल्कि सीएम पंक होता है। सीएम पंक उसे अपनी गाड़ी में बुलाता है। गाड़ी के अंदर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। रोज उसे काट लेती है, तभी अचानक उसकी आंखें खुलती है और वो खुद को बेड पर पाती है और वो सोचने लगती है कि उसके हेलुसिनेशन इतने रियलिस्टिक कैसे हैं। फिर वो डॉक्टर के पास जाने का फैसला करती है और यहाँ उस आदमी को जिसको उस दूसरे आदमी ने काटा होता है वो भी अग्रेसिव हो जाता है और वो हॉस्पिटल में एक नर्स की उंगलियाँ काट लेता है। और फिर हमें यह पता चलता है कि एक बीमारी एक दूसरे से स्प्रेड हो रही है और रोज़ डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर से कहती है कि उसके हेलुसिनेशन एकदम रियल लग रहे हैं, इतना रियल कि वो उसे फील कर रही है। डॉक्टर उसे बताता है कि हमें कई बार लगता है पर होता नहीं है, इसलिए उन्हें हेलुसिनेशन कहा जाता है और उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है कि रोज़ का बॉस कुछ डिज़ाइन देखता है और वो यकीन नहीं कर पाता कि ये डिज़ाइन रोज़ नहीं बनाए हैं। दूसरी तरफ हमें ये भी दिखाया जाता है कि ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और सभी लोग अग्रेसिव होते जा रहे हैं। फिर एक डॉक्टर को बुलाया जाता है उस बीमारी की जांच करने के लिए। वो डॉक्टर मरीजों का बर्ताव देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि सभी मरीज इंसान के खून के प्यासे होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि ब्रैड रोज़ से माफ़ी मांगता है और उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ब्रैड रोज़ को टच करता है और रोज़ अनकंफर्टेबल फील करती है और वो उठकर वहाँ से वॉशरूम में चली जाती है। वो अपने मुंह के अंदर देखती है तो उसे बहुत सारे दांत दिखाई देते हैं जिसे देखकर वह डर जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी इन्फेक्टेड सीएम पंक वहाँ पर आता है और रोज़ के ऊपर वार कर देता है और रोज़ जैसे तैसे करके अपनी जान बचाती है और वहाँ से भाग जाती है। ब्रैड सीएम पंक को मार देता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर एक दूसरे से सलाह मशवरा कर रहे होते हैं कि लोग ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। उन्हें पता चलता है कि ये लोग रेबीज के शिकार हो रहे हैं जो एक दूसरे को काटकर बीमारी फैला रहे हैं। रोज घर जा रही होती है तो उसे भूख लग जाती है। एक आदमी रोज की मदद करने की कोशिश करता है और तभी उसके अंदर से कुछ टेंटिकल्स निकल रहे होते हैं और वो टेंटिकल्स उस आदमी को मार देते हैं। रोज एक सपना देखती है जहाँ एक औरत को कुछ नर्सेस लाल कपड़े से ढक रही होती है। उस औरत का चेहरा पूरी तरह से डैमेज हो चुका होता है। तभी रोज की आंखें खुलती है और खुद को बेड पर लेटा पाती है। उसे बहुत जोर से भूख लगती है और वो वापस से उस रेड बॉटल में पड़ी दवाई को पीने लगती है और अचानक से उसके हाथ से रेड बॉटल छूटकर गिर जाती है और वो देखती है कि उस बोतल में कोई दवाई नहीं बल्कि खून है। यह देखकर रोज समझ जाती है कि वो डॉक्टर रोज से झूठ बोल रहा था, ये बीमारी उसी की वजह से पूरे शहर में फैली है। रोज काम पर जाती है और वो एक रेड कलर का ड्रेस डिजाइन करती है। वो उसी तरीके से होता है जिस तरीके से रोज ने सपने में देखा था, जिस ड्रेस को देखकर उसका बॉस इम्प्रेस हो जाता है और उसके ड्रेस को सेलेक्ट कर लेता है। वो ड्रेस ये लोग स्टेज पर रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं। दूसरी तरफ ये बीमारी पूरे शहर में फैल रही होती है और पूरा शहर इससे इन्फेक्टेड होता है। फैशन शो शुरू होने वाला होता है और सभी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। रोज देखती है कि चेल्सिया वहाँ नहीं होती है तो रोज चेल्सिया को ढूंढने लगती है। तभी रोज को उस डॉक्टर का कॉल आता है जो रोज का ट्रीटमेंट कर रहा होता है और वो रोज को फॉरेन क्लिनिक आने को कहता है। रोज डॉक्टर की एक नहीं सुनती क्योंकि उसे फैशन शो अटेंड करना होता है। रोज चेल्सिया को ढूंढने के लिए नीचे जाती है और चेल्सिया उसे ऊपर मिलती है। चेल्सिया काफी गुस्से में होती है। चेल्सिया अपने मॉडल फ्रेंड को बताती है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक था जिसकी वजह से लेट हो गई और उसे ट्रेन में आना पड़ा और वहाँ एक बूढ़ी औरत थी जिसने उसके हाथ पर बाइट कर लिया। इसका मतलब है कि वो इन्फेक्शन उसके अंदर भी पहुँच चुका है। रोज को बहुत ज्यादा भूख लगती है और रोज जमीन पर लेट जाती है। फिर वहाँ दो आदमी आते हैं जो रोज की मदद करते हैं, पर जब वह मदद कर रहे होते हैं तो अचानक से रोज के अंदर टेंटेकल आते हैं और उन दोनों आदमियों को मार देते हैं। तब तक वहाँ ब्रैड आ जाता है और रोज को उठाता है और फिर लेके जाता है। ब्रैड रोज को क्लिनिक चलने के लिए मनाता है पर रोज नहीं मानती। फैशन शो स्टार्ट हो जाता है और सब लोग फैशन शो को देखने लग जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद चेल्सिया की बारी आती है। चेल्सिया जब स्टेज पर आती है तो वहां पर मौजूद एक लड़की को बाइट कर लेती है। गुस्से में अपने बॉस की तरफ जाती है और चेल्सिया अपने बॉस को भी बाइट कर लेती है। यह मंजर देखकर रोज हैरान हो जाती है। तभी वहां वो आदमी आता है जिसे रोज ने नीचे मारा था। वह आदमी एक मॉन्स्टर बन गया होता है जो कि सबके खून का प्यासा होता है।
तभी वहाँ पुलिस आ जाती है जो कि वहाँ मौजूद सभी इन्फेक्टेड लोगों को मार देती है। फिर ब्रैड रोज को लेकर क्लिनिक पहुँचता है। रोज बहुत रोती है, उसकी वजह से पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो रहा था। चेल्सिया की मौत का कारण भी रोज खुद को समझती है। डॉक्टर रोज को बहुत समझाता है और उसे ब्रैड के साथ एक कमरे में बंद कर देता है और फिर रोज को बताता है कि उसने ब्रैड को रोज के ऊपर नजर रखने को कहा था। ब्रैड डॉक्टर के साथ मिला हुआ है और डॉक्टर बताता है कि ब्रैड भी इसीलिए डॉक्टर के पास में है ताकि वो अमीर हो सके। ब्रैड को न्यूज चाहिए थी और वो न्यूज डॉक्टर उसे देता। रोज यह सुनकर परेशान हो जाती है, उसने ब्रैड के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा किया था। ब्रैड रोज के सामने अपने पापों का प्रायश्चित करता है। वह रोज को बताता है कि डॉक्टर जो भी बोल रहा है वह सही है। ब्रैड रोज को बताता है कि ब्रैड की फीलिंग रोज के लिए झूठी नहीं है। रोज ब्रैड पर गुस्सा करने लगती है, तभी डॉक्टर ब्रैड पर खून गिरा देता है। खून देखकर रोज को भूख लगने लगती है। डॉक्टर रोज से ब्रैड को खाने के लिए कहता है, तभी ब्रैड अपना चाकू निकालता है और देखता है कि उस कमरे में एक मॉन्स्टर है जो आधी इंसान है। डॉक्टर उन लोगों को बताता है कि वो मॉन्स्टर डॉक्टर की पत्नी है जिसे कैंसर था। उसे पता था कि वो मरने वाली है तो उसने अपना शरीर एक शक्ति को दान कर दिया। ऐसे करने के स्टार्टिंग प्रोसेस में उसने उसकी बॉडी के मास को बढ़ाया जिससे वो कैंसर हमेशा के लिए लाइव हो गया और वो ऐसे दिखने लग गई। तभी रोज के अंदर से टेंटिकल निकलता है जो ब्रैड को मार देता है। ब्रैड को मरता देख रोज ब्रैड का चाकू उठाती है, डॉक्टर की बीवी का टेंटिकल काट देती है जिससे डॉक्टर की बीवी वही जगह पर मर जाती है। डॉक्टर अपने बीवी को मरता देख चिल्लाता है और रोज अपना गला काटकर खुद को मार देती है ताकि उस बीमारी की रूट कॉज हमेशा के लिए खत्म हो सके। दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर खून का ब्रेकफास्ट तैयार करता है और उसके एक्वेरियम में टेंटिकल होते हैं। वो उस ब्रेकफास्ट को रोज के पास ले जाता है जो कि अभी पूरी तरीके से नहीं मरी होती, यानी रोज भी अब कैंसर की तरह अमर हो चुकी है और मूवी यहीं एंड हो जाती है।